हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने लेक्चर स्टार्ट किया था साउंड, याद है? कुछ कंसेप्ट हमने स्टार्ट किए थे वेव के बारे में, क्योंकि वेव साउंड सीखने के लिए वेव टॉपिक सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वेव क्या होता है? सिंपल, डिस्टरबेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम। जो भी मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, जो एनर्जी और मोमेंटम को लेके जाए एक जगह से दूसरी जगह, उसे हमने कहा था वेव, याद होगा? देन वेव के तीन टाइप हमने स्टडी किए थे। कौन से थे? एक था हमारा मैकेनिकल वेव, दूसरा था ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और तीसरा था हमारा मैटर वेव। ये तीन वेव का हमने स्टडी किया था। मैकेनिकल वेव, जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दो फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मीडियम नहीं होगा फिर भी ये प्रोपोगेट करता रहेगा। और थर्ड मैटर वेव, जो मैटर के साथ एसोसिएट करता है, उस वेव को हम कहते हैं मैटर वेव। देखो, हमारा टॉपिक क्या है? साउंड। हमारा चैप्टर क्या है? साउंड। साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो वो किस में आएगा? मैकेनिकल वेव में। तो हम इस चैप्टर में हम किस पे फोकस करने वाले हैं? मैकेनिकल वेव पे, ठीक है? तो ईएम वेव और मैटर वेव पे हम फोकस करने वाले नहीं है, हम किस पे फोकस करने वाले हैं? मैकेनिकल वेव पे, ठीक है? तो वेव की कुछ प्रॉपर्टी तो हमने लास्ट टाइम सीख ली थी। वेव एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, देन टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, देन हमने डबल पीरियोडिसिटी का स्टडी किया था कि स्पेस में भी वेव पीरियोडिक होता है और टाइम में भी पीरियोडिक होता है। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी का स्टडी किया था, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन और नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेकेंड, वो हमने स्टडी किया था। और हमने कहा था कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से रेसिप्रोकल में होती है, एफ इज इक्वल टू 1/T, ये भी हमको पता है। देन हमने वेलोसिटी का स्टडी किया था, वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमने स्टडी कर लिया। तो ये सारे टॉपिक हमारे हो गए थे। फेज भी हो चुका था। फेज मीन्स स्टेट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल वाइब्रेशन के कौन से स्टेट में है, ऊपर है, नीचे है, फर्स्ट ऑसिलेशन में है, सेकेंड ऑसिलेशन में, ये सारे कंसेप्ट हमने लास्ट चैप्टर में देख लिए थे। नहीं देखा है तो वापस एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो, देन हम इस टॉपिक पे आते हैं। अब देखो, अगर वेव मीडियम से जा रही है तो सभी मीडियम से वेव ट्रैवल कर सकती है, कोई भी मीडियम हो। चलो वेव छोड़ दिया, ट्रैवल कर लिया, ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि मीडियम के पास भी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मीडियम के पास भी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो उसी प्रॉपर्टी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, क्यों प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं? मीडियम की। किसके लिए स्टडी कर रही है? फॉर प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव, फॉर प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव। सो मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम से, मीडियम के पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? फर्स्ट प्रॉपर्टी उसके पास होनी चाहिए, पहली प्रॉपर्टी, मीडियम शुड बी कंटिन्यूअस। क्या होनी चाहिए? मीडियम शुड बी कंटिन्यूअस। मीडियम कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। मीडियम कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस। मीन्स अगर मैंने एक वायर ले लिया यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा वायर मैंने अटैच किया यहाँ से यहाँ तक, बीच में गैप है, अगर मैंने वेव इस वायर पे क्रिएट किया, यहाँ ख़त्म हो गया, आगे जाएगा नहीं, क्योंकि मीडियम कंटिन्यूअस नहीं है, मीडियम कंटिन्यूअस नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, सपोज हमने एक पॉन्ड ले लिया वाटर का, और यहाँ दूसरा पॉन्ड है। अब मुझे वेव यहाँ क्रिएट किया मैंने वाटर में, वो आगे जाएगा दूसरे पॉइंट में? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मीडियम ही कंटिन्यूअस नहीं है, मीडियम कंटिन्यूअस नहीं है। तो पहला क्या होना चाहिए? जिस भी मीडियम में हमको वेव को
प्रोपोगेट करना है या जिस मीडियम में वेव को प्रोपोगेट करना है वो कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस। वो कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस। ये समझ में आ गया? देन मीडियम शुड बी इलास्टिक, कंटिन्यूअस एंड इलास्टिक। इलास्टिक क्या होगा? आप इलास्टिक जैसे ही हम रबर को खींचते हैं ओके और उसको छोड़ते हैं, क्या करता है वो? अपना ओरिजिनल स्टेट वापस ले लेता है। क्या कर लेता है? ओरिजिनल स्टेट। तो अपने ओरिजिनल स्टेट को वापस लेना उसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिक नेचर। उसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिक नेचर। मीन्स रबर को खींच लिया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ऐसा हम बोल सकते हैं। उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम? डिफॉर्मिंग। डिफॉर्मिंग फोर्स जिससे शेप साइज चेंज होता है मटेरियल के, उस फोर्स को कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। उसमें डिफॉर्मेशन आ गया। तो रबर को मैंने खींचा, मीन्स डिफॉर्मेशन आ गया, उस डिफॉर्मेशन फोर्स को मैंने छोड़ दिया तो वापस वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गया। तो ऐसा मीडियम हमें चाहिए। तो मीडियम को अगर हम डिफॉर्म करते, उसका शेप साइज अगर हम चेंज करते तो वापस वो अपना शेप साइज रिगेन करना चाहिए। ऐसा मटेरियल होना चाहिए। मीन्स इलास्टिक होना मीन्स क्या होता है? रिगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट, रिगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर रिमूवल ऑफ, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके अब एग्जांपल लेते हैं। आप गिटार देखा होगा, गिटार के स्ट्रिंग को अगर आपने थोड़ा सा डिफॉर्मेशन दे दिया मैंने ऊपर खींच लिया इसको, थोड़ा सा प्लंग किया तो ये ऊपर जाएगा, जैसे ही छोड़ दूंगा ये वापस नीचे अपने ओरिजिनल स्टेट पे आएगा और उसके नीचे जाएगा और ये मोशन चलता रहेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि उसको ओरिजिनल स्टेट पे वापस आना है। और थोड़ी देर बाद गिटार की वायर रुक जाएगी अपने ओरिजिनल स्टेट पे, तो वो अपना ओरिजिनल स्टेट क्या कर रहा है? ओरिजिनल स्टेट रिगेन कर रहा है। इसलिए इस मटेरियल को हम बोलेंगे इलास्टिक। वाटर सरफेस देख लो, वाटर सरफेस पे वेव क्रिएट होगा, ये ओरिजिनल सरफेस था, जैसे ही हमने स्टोन डाल दिया उसमें वेव क्रिएट हो गई, थोड़ी देर बाद वापस वाटर क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजिशन रिगेन कर रहा है। यहां भी देखो पार्टिकल यहां से ऊपर जाएगा एक्सट्रीम पोजिशन पे, वापस अपने ओरिजिनल पोजिशन पे आएगा, देन नीचे जाएगा वापस अपने ओरिजिनल, तो हर बार वो अपने ओरिजिनल पोजीशन गेन कर रहा है ड्यूरिंग वाइब्रेशन। सो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे? इलास्टिक मटेरियल। तो फर्स्ट मीडियम कैसा होना चाहिए? शुड बी कंटिन्यूअस एंड इलास्टिक। ये हमारा पहला पॉइंट, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट है मीडियम शुड पजेस इनर्शिया। ओके सेकेंड पॉइंट, मीडियम शुड पजेस इनर्शिया। मीडियम शुड प्रजेस इनर्शिया। मीडियम के पास क्या होना चाहिए? इनर्शिया। इनर्शिया आपने पहले लोअर स्टैंडर्ड में सीखा है, वेरी कॉमन एग्जांपल। अगर आप बस में हो, ट्रैवल कर रहे हो, सडनली ब्रेक मार दिया, आप क्या होते हो? आगे आते हो। आप क्या होते हो? आगे आते हो। या आप बैठे हुए, बस स्टार्ट हो गया, आप पीछे जाते हो, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। बिकॉज ऑफ इनर्शिया मीन्स आप अपना स्टेट चेंज करना नहीं चाहते, आप अपना स्टेट चेंज करना नहीं चाहते, उसे कहते हैं इनर्शिया। उसे क्या कहते हैं? इनर्शिया। तो इस केस में इनर्शिया किस बारे में होना चाहिए? एनर्जी के बारे में। ओके इनर्शिया पजेस करना मीन्स क्या? उसको एनर्जी स्टोर करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए उसको? मीडियम को एनर्जी स्टोर करना आना चाहिए, और जो भी एनर्जी स्टोर की है वो उसने ट्रांसफर करनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ वेव। इनर्शिया का मीनिंग हम क्या लिखेंगे? मीडियम ने क्या करना चाहिए? मीडियम ने एनर्जी को स्टोर करना चाहिए, उसको एनर्जी स्टोर करना आनी चाहिए। जैसी वो एनर्जी को स्टोर करेगा और वापस उसको किसमें ट्रांसफर? ट्रांसफरिंग
ट्रांसफरिंग इन फॉर्म ऑफ वेव, और उसने वेव के फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, वेव के फॉर्म में उसको क्या करना चाहिए, ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। जब भी हम वेव क्रिएट करेंगे, अब देखो एनर्जी चेंज होगा, जब पार्टिकल मूव करता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब स्टॉप हो जाता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पार्टिकल अब वाइब्रेट कर रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जाएगा एनर्जी स्टोर होगी पोटेंशियल फॉर्म में, यहाँ जाएगा पार्टिकल रुक जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, देन धीरे धीरे वापस काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होगा, वापस धीरे 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 नीचे जाएगा, नीचे जाएगा रुक जाएगा, यहाँ आएगा रुक जाएगा, यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी वापस मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो से मैक्सिमम, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी पहले क्या थी, मैक्सिमम थी, उसका कन्वर्जन काइनेटिक में हुआ, काइनेटिक से वापस पोटेंशियल में, वापस काइनेटिक, वापस पोटेंशियल, ये चलता रहेगा। तो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रहा है, एनर्जी वो स्टोर कर रहा है और उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है किसमें, इन द फॉर्म ऑफ वेव। इस मोशन की वजह से वेव आगे बढ़ रहा है, वाइब्रेशन मोशन की वजह से क्या हो रहा है, वेव आगे बढ़ रहा है। सो मीडियम शुड पजेस इनर्शिया, मीन्स उसने एनर्जी स्टोर करनी चाहिए और उसको वेव के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करनी चाहिए। ठीक है, ये दो समझ में आ गए, मीडियम कैसा होना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। देन थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी मीडियम के पास, थर्ड प्रॉपर्टी, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस निग्लिजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम मस्ट बी निग्लिजिबल, द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम शुड बी मस्ट बी नेग्लिजिबल। क्या नेग्लिजिबल होना चाहिए, द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए। अगर मीडियम में फ्रिक्शन है और हमने एक वेव क्रिएट कर दिया, ठीक है, एक्चुअली हमारा वेव जाना कैसे चाहिए था, इस तरह से, हर बार उसका एम्पलीट्यूड सेम, उसका टाइम पीरियड सेम, इस तरह से उसने प्रोपोगेट करना चाहिए था, हर एक पार्टिकल सेम हाइट पे आना चाहिए और सेम नीचे जाना चाहिए, मीन्स उसका एम्पलीट्यूड सेम रहना चाहिए। लेकिन अगर फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, उसके मोशन पे इफेक्ट होगा, धीरे धीरे पार्टिकल रुकने लगेंगे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, मीडियम में फ्रिक्शन है। तो ओरिजिनल ऐसा होना चाहिए, तो हमारा वेव कैसे बनेगा, हमारा वेव बनेगा, पहला पार्टिकल बहुत ही अच्छे से वाइब्रेट करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे, दूसरा उससे नीचे आएगा, तीसरा और नीचे और नीचे, ऐसे करते करते फ्रिक्शन की वजह से हमारा वेव डाई हो जाएगा, हमारा वेव क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। और हमारे ऑसुलेशन क्या होते जाएंगे, या वाइब्रेशन क्या हो जाते, कम हो जाते, क्या होते जाते, कम। और ऐसे ऑसुलेशन या ऐसे मोशन को कहा जाता है डैम्प मोशन, क्या कहा जाता है, डैम्प। तो अगर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वेव आगे बढ़ नहीं पाएगा, वो क्या हो जाएगा, डैम्प हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डैम्प्ड हो जाएगा, मीन्स उसका ऑसुलेशन धीरे धीरे धीरे, या उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाएगा, एंड देन वेव फिनिश हो जाएगा। तो इसीलिए फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम मस्ट बी नेग्लिजिबल। समझ में आ गई, ये तीन ही पॉइंट है, बस इतना याद रखना है। प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए मीडियम के पास, पहला कंटिन्यूस होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए, इलास्टिक मीन्स अपनी ओरिजिनल पोजिशन रिगेन करनी चाहिए। दूसरा, मीडियम शुड पजेस इनर्शिया, मीडियम के पास क्या होना चाहिए, इनर्शिया, इनर्शिया मीन्स उसने एनर्जी को स्टोर करना चाहिए और उसको वेव के फॉर्म में ट्रांसफर करना चाहिए। जो भी एनर्जी कन्वर्ट होगी वो कैसे होगी, वेव के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। देन तीसरा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम शुड बी नेग्लिजिबल। तो जो भी ऑसुलेशन होंगे वो धीरे 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 कम नहीं होते जाएंगे, अगर कम होते उसको क्या कहते हैं, डैम्प, उसे क्या कहते हैं, कम होते तो उसे कहते हैं डैम्प। तो डैम्प ऑसुलेशन या डैम्प वाइब्रेशन हमारे नहीं होने चाहिए,
समझ में आ गया। तो ये हो गए हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। आते हैं नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट पे, वो भी कवर कर लेते हैं इसमें ही। छोटे से पॉइंट पे आते हैं अब हम कवर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव व्यू। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव व्यू। प्रोग्रेसिव व्यू जो कंटिन्यूअस मीडियम में ट्रैवल करता रहता है, जिसका प्रोग्रेस रुकता नहीं, जो प्रोग्रेस करता ही रहता है, आगे आगे बढ़ता ही रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव व्यू। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करने वाले हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करने वाले हैं। दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, उसके बाद इसके टाइप हमें सीखने। ओके, तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सो ऑल वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम हैव सेम एम्पलीट्यूड पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल हैव ऑल ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल हैव सेम, क्या सेम होना चाहिए? फर्स्ट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। सेकेंड टाइम पीरियड, एंड थर्ड फ्रीक्वेंसी। पहली प्रॉपर्टी या पहला कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोग्रेसिव वेव का, ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल हैव सेम एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सब पार्टिकल हमारा वेव, यहां एक पार्टिकल है, यहां एक पार्टिकल है, यहां एक पार्टिकल है, यहां एक पार्टिकल है, तो हर एक पार्टिकल जो है वो क्या करना चाहिए? जितना इस पार्टिकल ने एम्पलीट्यूड रीच किया है, वही एम्पलीट्यूड ये पार्टिकल भी रीच करेगा थोड़ी देर बाद दूसरा पार्टिकल, तो हर एक ने सेम एम्पलीट्यूड पे जाना चाहिए। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, वापस ये ऊपर उतना ही आएगा, वापस दूसरा, तो हर एक पार्टिकल क्या करेगा? सेम एम्पलीट्यूड पे आना चाहिए, हर एक का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। सो एक पार्टिकल को वाइब्रेशन करने के लिए टाइम लग रहा है, एक वाइब्रेशन करने के लिए 5 सेकेंड, तो दूसरे पार्टिकल को भी कितना लगना चाहिए? 5 सेकेंड। टाइम पीरियड सेम, नीचे ऊपर से नीचे गया एंड वापस ऊपर आया, उसके लिए 5 सेकेंड लगे एक पार्टिकल को, दूसरे पार्टिकल को भी ऊपर से नीचे जाके वापस ऊपर आने के लिए 5 सेकेंड लगना चाहिए, उसको कहते हैं टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन के लिए लगने वाला टाइम सेम होना चाहिए हर एक पार्टिकल के लिए। देन फ्रीक्वेंसी, देन फ्रीक्वेंसी यूनिट टाइम में कितनी बार वाइब्रेट करता है, जितनी बार ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा उतनी बार ही दूसरे पार्टिकल ने भी वाइब्रेट करना चाहिए, तो कौन सी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए? फॉर ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, सेम टाइम पीरियड होनी चाहिए और सेम फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक, तो उस वेव को हम कहेंगे प्रोग्रेसिव वेव। सेकेंड हमारा कैरेक्टरिस्टिक है स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मीन्स फेज। ठीक है, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मीन्स उसे क्या कहेंगे हम? फेज। फेज क्या होना चाहिए? पार्टिकल टू पार्टिकल चेंज होना चाहिए, फेज चेंजेस पार्टिकल टू पार्टिकल। पार्टिकल टू पार्टिकल फेज चेंज होना चाहिए। वंस अगेन वेव ड्रॉ करते हैं हम, ये एक वेव, ये सेकेंड वेव, ये थर्ड वेव। देखो अब इस पार्टिकल जीरो पे है, ये पार्टिकल मैक्सिमम पे है, ये वापस जीरो पे है, लेकिन इसकी वेलोसिटी अलग है। ठीक है, अब ये पार्टिकल नीचे जा रहा था, ये पार्टिकल तो ऊपर आएगा, इसकी वेलोसिटी अलग है, तो हर एक का वाइब्रेशन स्टेट अलग अलग है। यही ऐसा ही पार्टिकल इस वेव में भी है, लेकिन इसका वेव नंबर ये फर्स्ट वेव में है,
ये सेकेंड वेव में है। तो हर एक कंडीशन इसकी मैच नहीं करती, क्योंकि फेज किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड थर्ड नंबर ऑफ वेव। कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा हर एक पार्टिकल में, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। अगर एक पार्टिकल हायर होगा तो दूसरा लोअर होगा, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है, एक फर्स्ट वेव में है तो दूसरा सेकेंड वेव में। तो हर एक का फेज क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। सो यही दो कैरेक्टरिस्टिक है प्रोग्रेसिव वेव के। तो यहां तक समझ में आ गया दो कैरेक्टरिस्टिक कौन से थे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, मीडियम की प्रॉपर्टीज अगर वेव को ट्रैवल करनी चाहिए, और मीडियम में अगर वेव ट्रैवल करती है प्रोग्रेसिव वेव तो उसे प्रोग्रेसिव वेव क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसके पास ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऐसे वेव को हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव वेव। समझ में आ गया, इसके बाद हम प्रोग्रेसिव वेव के टाइप्स में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लेक्चर हमारा फिनिश करते हैं। थैंक यू।